जा रहे हैं और कोई दोस्त अभी तक फिलहाल नहीं है, जिसकी वजह से हम दोनों होली खेलेंगे। तो फिर इसके बाद नीचे चलेंगे, नीचे जो आंटी है उन लोगों को कल बोला है कि रंग लगाएंगे, तो नीचे जाके फिर खेलेंगे। तो चलो लेट्स प्ले होली। ओ माय गॉड, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा धूप है, कुछ दिख नहीं रहा है धूप की वजह से। चलो इसी के अंदर थोड़ा सा खेल लेते हैं, फिर चलते हैं नीचे। हे गाइस, तो हम आ गए हैं छत पे और अभी छत पे आके देख रहे हैं कि साइड में छत छत है लगा हुआ, तो वो छत पे जो भाभी हैं वो लोग यहाँ पे होली की तैयारी कर रही है। तो साथ में उनका हस्बैंड भी है, बेटा भी है, तो उन्होंने बोला कि उनके बेटे के दोस्त वगैरह सब लोग आएंगे और होली खेलेंगे या फिर पार्टी होगा, तो इसीलिए ये जो ग्रीन कलर का ग्रीन कलर का जो टंगा हुआ देख रहे हैं आप लोग, वो टंगाया उन्होंने। और साथ में यहाँ पे बहुत सारा तैयारी भी चल रही है पार्टी का, तो देख के हमको भी लग रहा था कि हम भी पार्टी ज्वाइन करें, लेकिन उनको हम ज़्यादा जानते नहीं हैं, मतलब उतना भी खास दोस्त नहीं है हमारा, जस्ट हाई हेलो का है। छत पे खेलने का बहुत मज़ा तो आया, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप है और साथ में घर वालों को हम बहुत मिस कर रहे थे, घर वालों को भी। और जलपाईगुड़ी में फर्स्ट टाइम जब हम गए थे तो वहाँ पे जो फंक्शन होते हैं वो हम अटेंड किए थे, वो भी मिस कर रहे थे। तो कुल मिला के अकेला मना लिया, लेकिन फिर भी आस पड़ोस के कुछ लोगों के साथ थोड़ा बहुत खेल लिए तो बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे अभिषेक मेरे आँखों में घुसा दिया, उसको मैं मना कर रही थी, लेकिन वो ज़बरदस्ती माथे में देने के लिए आए और आँखों में चला गया। उसके बाद वो पानी लेके आया और क्लीन कर दिया, तो अभी भी मेरे आँखों में जल रहा है, तो पहले बाहर कर लेती हूँ फिर खेलती हूँ। तो यहाँ पे अभिषेक के अभी हम लोग नीचे आ गए हैं खेलने के लिए आंटी के घर में। मेरा बालों का हालत बहुत खराब है, लेकिन यहाँ पे पानी कहाँ से निकल रहा है? अच्छा ये आपके ऊपर है, इनको नहीं मिले नहीं, वो आम घर पर रहते हैं ना, वो किधर गए? वो आ रहा है। अरे अभी नहा लिए, इतने क्या होगा? आप ही का होटल है आपके होटल है, चलो भाभी नहीं क्या बात है, पानी आया है सारा दिन, सुबह से पानी आ रहा है।
गीला हो जाओ क्या है इसको मजा हॉस्टल जाता है आ जाएगा गीला हो गया बोल दो तू चाय का पी के आओ अभी तो सही है अभी नहाएंगे छोटे लो गुड तो ये है बोलू थोड़ा मुस्कुरा दो 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 उन्हें दो मुस्कुराओ बोलू थोड़ा मुस्कुराओ बोलू थोड़ा मुस्कुराओ तो ये है गोलू अपना बैलून दिखाओ और ये है गोलू का दीदी गोलू कौन है गोलू ये कौन है दीदी मेरी दीदी मेरी दीदी की तुम्हारी तुम्हारा दीदी 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 अच्छी है मजा आया हाँ उसको मजा आया अकेला आंखों में भी दे दिया था एकदम आंखों में घुस गया बोलो बोलो मुंह मत लगाओ चन्नी गंदा है पानी है पीने वाला नहीं खाने वाला अच्छा इसमें कलर नहीं है खाली पानी है कलर अगर ये सब होगी ना फूट जाता है तो ये हाँ हम लोग तो खेलते थे इसमें बढ़िया सा कलर लगा के जो उठ के ही नहीं 7 दिन तक अभी जा रहे हैं ऊपर आंटी हाँ मैंने आपकी छत से चूहे 2 बार हाँ और 4 बार देखी है मैंने आपकी छत हम लोग तो छत पे खेल के छत गंदा कर दिया आज गंदा है घर बहुत है क्या वो मॉम देखेगा उठोगे क्या है क्या है गोलू क्या कर रहा है गोलू इधर आओ मॉम मॉम ये नीचे पानी देखने के लिए ऐसा कर रहा है गोलू को पानी बहुत पसंद है मम्मी मम्मी गंदा है छोड़ ये देखो मम कितना खुश हुआ भीग जाओगे इधर आ जाओ भीग जाओगे चलो बोलो थोड़ा नाचो थोड़ा नाचो बोलो अभी टाइम हो रहा है 2:06 और अभी मेरा पूजा कंप्लीट हुआ है तो आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ तो अभी किचन में आई हूँ और यहाँ पे ये रंग उठाए नहीं मैं बहुत कोशिश की लेकिन
ये नहीं उठना चाहता है। तो अभी मैं किचन में आई हूँ और किचन का हालात एज़ यूजुअल रोज़ का मतलब यही चलता है, एकदम गंदा गंदा सा। तो अभी मैं किचन में थोड़ा सा काम करूँगी, मतलब कि मैं राइस बना लिया और अभी मैं सोच रही हूँ आज है ना मटन चिकन कुछ नहीं लाए, तो मतलब कल हम दोनों बहुत आलसी हो गए थे तो ये नहीं जाने की सोच रहे थे लेकिन नहीं जा पाए। तो आज हम लोग जस्ट घर में दो मछली है, तिलापिया मछली, तो वो मैं फटाफट से बना लूँगी और वो ही एक सब्जी से हम खा लेंगे और खा के फिर निकल जाएंगे झटपट रेडी होके, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें भी मेरे का अभी मैं लगभग कल ही करके रखी हूँ लेकिन फिर से थोड़ा सा सामान इकट्ठा करना है, फिर हम उसके बाद चले जाएंगे मेवात हॉस्पिटल में। और हाँ, उसके पहले हम एक ही बार में घर से निकल जाएंगे, हम चलेंगे शायद नागा किचन, हमारे साथ जा रहे हैं उद्भासदा और कौन है मुझे नहीं पता, तो मैं अभिषेक और शायद उद्भासदा, तो वो अभी भी पता नहीं है कि चलेंगे या नहीं, मतलब सुनने में आया कि हम जा रहे हैं नागा किचन। तो अभिषेक अभी बोल रहे थे कि कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, निकल चलो। तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने राइस बना लिया तो थोड़ा सा मछली करी भी बना लेते हैं जल्दी जल्दी में, तो चलो मैं चटपट अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ फिर बात करती हूँ। तो अभी हम लोग खाने बैठे हैं और यहाँ पे ये राइस है और ये है परवल आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी, इसके साथ यहाँ पे है करेला आलू की सब्ज़ी और यहाँ पे है मच्छी का हेड और साथ में यहाँ पे है सलाद।